आज की तारीख के अंदर अपने गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के सीज़न के अंदर सबसे बड़ी डिमांड रहती है कूलर की, एसी की। और एसी तो अपना अफोर्ड करने का भी नहीं है, अगर मिडिल क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलता है कूलर। कूलर के अंदर आते हैं कुछ 3 या 4 टाइप्स के मोस्ट ऑफ जो कि फेमस कूलर्स हैं। एक हो गया लोहे का कूलर, एक हो गया प्लास्टिक का कूलर, एक हो गया लकड़ी का कूलर। तीनों कूलर होते हैं, तीनों कूलर के अंदर सिमिलर एक ही चीज़ होती है, वो है अपनी घास, या फिर आप कह सकते हैं हनीकॉम, या फिर आप कह सकते हैं एसी पैड्स। ये तीनों चीज़ में सब में कॉमन रहती है, मतलब कि कूलिंग का सिस्टम अगर आप बात करें तो वहाँ पे घास का नाम आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार कूलर के लिए हम अपने वुड वूल का यूज़ करें यानी कि घास का यूज़ करें जो कि 70 रुपये आपको पीस में मिल जाती है, या फिर हनीकॉम का यूज़ करें जो कि 600 रुपये शीट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहती है। अब यहाँ पे कुछ पैसे वाले का दिमाग जाएगा ज़्यादा पैसा मतलब अच्छी चीज़, और कुछ अपने मिडिल क्लास जैसे कि बुद्धि चलेगी कम पैसा मतलब अच्छी चीज़। ठीक है, तो अब दोनों का मैं कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपको हनीकॉम लेना है तो क्यों लेना है, आपको घास लेनी है चारा लेना है तो क्यों लेना है। दोनों के यूज़ अलग अलग है, लोगों आज की तारीख में लोग सब मिक्स में चला रहे हैं उसको। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ बताऊंगा, एडवांटेज बता दूंगा, कैसे बनता है थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, फिर आपके हिसाब से आप समझ सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया बना है, इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी घास के बारे में बात करते हैं कि घास बनती कैसे, फिर थोड़ी सी क्वालिटीज़ बताऊंगा, फिर डिसीडर बताऊंगा, और ऐसा वीडियो पूरा चलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घास। तो जो कूलर की घास आती है मार्केट में आपको 70, 80, 90 रुपये या फिर 50 रुपये में पहले मिल जाती थी, अब तो नहीं मिलती है, उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो घास बनती कैसे थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि घास बनती है अपने जो लकड़ी होते हैं उसके छिलके बना के, उस छिलकों का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिससे आपकी घास बनती है। लेकिन वो ही क्यों काम में लेते हैं, तो उसका भी एक कारण है, आपकी जो लकड़ी होती है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको पानी में डालते हो तो पानी को सोख लेती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसी का यूज़ करके घास का यूज़ किया जाता है। और उस घास का सबसे मेन यूज़ यहाँ पर ये आता है कि जब आपका कूलर में पानी गिरता है घास के ऊपर तो थोड़ी देर के लिए वो घास उस पानी को सोख लेती है, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए, और वो जो हवा है गर्म हवा वो उस ठंडी घास के अंदर से होके निकलती है और उसको अपना कूलर का पंखा बाहर की तरफ से खींच के अंदर की तरफ फेंकता है, तो उस टाइम वहाँ पे ठंडक होती है। और वो पानी जितनी देर ज़्यादा रुकेगा ठंडक उतनी ही बढ़ती जाएगी, आपका पानी का जो कह सकते हैं स्टोरेज है वो जितना ज़्यादा करेगा उतनी ज़्यादा आपकी पानी की ठंडक है वो बढ़ेगी। लेकिन जो लकड़ी की प्रॉपर्टी होती है वो इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं कर पाती है। वहीं पे एक नई टेक्नोलॉजी को बनाया, उसके अंदर आपका हनीकॉम काम में आता है। अब हनीकॉम का इन्वेंशन कैसे हुआ, तो हनीकॉम का इन्वेंशन भी ऐसे नहीं हुआ, हनीकॉम को इंस्पायर है, मतलब हनीकॉम जो उसका इंस्पिरेशन लिया मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जिस टाइप से शहद आपका इकट्ठा होता है, ज़्यादा शहद कम से कम छत्ते के अंदर, उसी चीज़ को कॉपी किया जस्ट पानी को रोकने के लिए। अब पानी का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो तरल होता है, जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है शहद के मुकाबले, शहद तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, तो उसको रोकना भी उतना ही कठिन है, क्योंकि जितनी गाढ़ी चीज़ होगी वो उतनी आसानी से रुकेगी, कम होगी तो कम आसानी से रुकेगी। तो वहाँ पे क्या डिज़ाइन बनाया, हनीकॉम का एक छत्ते ऐसा डिज़ाइन बनाया जिसके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा देर तक होल्ड किया जा सके। और एक चीज़ और होती है, घास की थिकनेस ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि चारा होता है वो आपस में मतलब ऐसे मिक्स होकर हाइट तो बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे पानी है वो पानी थोड़ी देर के लिए उसी के अंदर घूम के निकल जाता है। लेकिन एक हनीकॉम सीट की बात करें तो 1 इंच से 1.5 इंच तक की आपकी इसकी मोटाई होती है, तो अगर आप पानी सही तरीके से हनीकॉम की सीट पर डाल रहे हो तो वो ज़्यादा देर तक उसके अंदर रुकेगा। और वहीं पे वापस यही गणित काम आएगी, जितनी ज़्यादा देर पानी रुकेगा उतना ज़्यादा ठंडक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हनीकॉम सीट का ये फ़ायदा रह जाता है कि आपके हनीकॉम सीट के अंदर पानी ज़्यादा देर तक रुकता है और ठंडक भी ज़्यादा होती है। लेकिन हनीकॉम बनता कैसे, किस मटेरियल से बनता है वो समझाता हूं। आपने कागज़ तो देखा होगा, वो भी पेड़ से ही बनता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। कागज भी पानी में डालते ही तुरंत गल जाता है, एक गत्ता होता है कार्डबोर्ड, वो पानी में डालता थोड़ी सी देर से गलता है, और एक उससे भी बढ़िया क्वालिटी का गत्ता होता है, वो पानी सोख लेता है, गीला होकर नरम पड़ जाता है, धूप में रखोगे दोबारा कड़क हो जाएगा, वही काम आता है हनीकॉम के अंदर। और हनीकॉम के अंदर एक साइड होती है वो थोड़ी सी कोटेड रहती है जिसके मदद से उसके ऊपर पानी नहीं ठहर पाता है, और जो दूसरी साइड होती है वो एग्जॉर्ब करती है, उसके अंदर पानी ठहरता है, और ऐसा हर शीट के नीचे होता है, मतलब लेयर बाय लेयर ऐसा होता है, तो जो पानी ऊपर से गिरता है वो वहीं ठहर जाता है, थोड़ा और पानी गिरेगा तो उसके ऊपर से बह के अगली वाली शीट पर टिक जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा तो अगली वाली पर, ऐसे करके पूरा आपका जो है कह सकते हैं पानी का स्टोर करने का जो क्षमता है वो हनीकॉम का बढ़ता है, और उसकी मदद से आपका हनीकॉम है वो ज़्यादा देर तक पानी को स्टोर करता है और ठंडक भी ज़्यादा होती है। अब अगर प्राइसिंग की बात कर ली जाए थोड़ी डिटेल में, तो जहाँ पे आपका कूलर की घास आपको बदलनी पड़ती है एक साल के अंदर एक बार, यानी कि एक सीज़न चला पाता है आपका कूलर आपकी घास को अगर नॉर्मली देखें तो, भाई ऐसे तो सालों भी चला हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा तो है नहीं, लेकिन हाँ वो ठंडक कम पड़ती जाती है। लेकिन अगर आप हनीकॉम की लाइफ की बात करो तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपका
पाँच से छः साल तक आपका हनीकॉम का कुछ नहीं बिगड़ता। अब मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके एक गणित बता देता हूँ कि भाई हनीकॉम का खर्चा छः साल का कितना आ रहा है आपके घास के खर्चे के बराबर, ठीक है। तो मैं आपको गणित बताता हूँ। तो यहाँ पर एक नॉर्मल कूलर की घास की बात करते हैं, तो आपकी नॉर्मल कूलर की एक घास एक साइड की 70 रुपये की आती है, एक अप्रोक्स प्राइस मान रहे 80 मान सकते हो आप, 60 मान सकते हो, मैं मान रहा हूँ 70 रुपये। तीन साइड के लगभग 210 रुपये के आपका एक जोड़ा पड़ेगा, एक सीजन निकल गया 210 रुपये से। ऐसे ही आपने 6 साल की घास खरीदी तो हर साल तो आपको 210 में नहीं पड़ेगी, अगले साल जैसे कि इस साल आपने 210 में खरीदी तो मोस्ट ऑफ चांस है कि अगले साल 230 या 250 रुपये में घास मिलेगी। लेकिन अपन फिर भी मानते हैं कि 6 ही साल तक आपको 210 रुपये में ही घास मिली, तो आपकी जो घास का प्राइसिंग है वो जाएगा 1260 रुपये 6 साल का, ठीक है। 6 साल का प्राइस कितना हो गया आपके 1260 रुपये घास का हो गया। और वहीं पर अगर एक हनीकॉम सीट की बात करें तो आपकी हनीकॉम सीट की लाइफ होती है 5 से 6 साल की। उसका जो एक शीट का पूरा पैनल आता है उसमें तीनों साइड कवर हो रही है वो आता है केवल 600 रुपये का, यानी कि 600 × 6 × 12 मतलब कि आपके पास दो बार आप हनीकॉम चेंज कर सकते हो, इतना पैसा आप घास में खर्च सकते हो। और वहीं पे उससे बढ़िया क्वालिटी की चीज़ आपको मिल जाएगी हनीकॉम 600 रुपये की, बहुत ही सस्ते में, ठीक है। आपको एक गणित समझ में आई होगी, अगर एक गणित समझ आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। और इसके अलावा भी मैं कुछ थोड़ी आपको चीज़ें और समझा देता हूँ जो कि आपको एक सही डिसीजन लेने में फ़ायदा देगी कि आपको क्या खरीदना चाहिए। चलो गर्मी के सीज़न तक तो ठीक है, गर्मी के सीज़न के अंदर जो गर्मी बिल्कुल ड्राई एयर होती है उसको तो आपका नॉर्मल कूलर भी अच्छा चिल्ड कर देगा, आपका हनीकॉम भी अच्छा चिल्ड कर देगा। लेकिन घास में अभी एक दिक्कत और आती है, घास के अंदर थोड़ा गैप रहता है और अगर वो सही से फिक्स नहीं किया तो आपके कूलर के अंदर कहीं से गर्म हवा आएगी एक कोने में से, एक कोने में से ठंडी हवा आएगी और वो मिक्स करके आपका गुनगुनी हवा आती है कमरे के अंदर, ये चीज़ होती है। अगर आप इसे पूरा दिन कूलर चला रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ होगी और इसको आप बंद नहीं कर सकते आप जब तक उसके अंदर सही जगह पे फिक्स नहीं करोगे। लेकिन हनीकॉम के अंदर ये टेंशन नहीं है, हनीकॉम के अंदर जो कूलिंग का लेवल है वो हमेशा एक ही रहेगा। आपकी हनीकॉम के अंदर ये फिक्स है कि भाई कितना एयर बाहर से अंदर आएगा, ड्राई एयर, कितना जो गर्म हवा है वो अंदर आएगी और कितनी जो हवा है वो गर्म ठंडी होकर अंदर आएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें फिक्स है तो उसके मतलब आपको टेम्परेचर है उसका भी दिक्कत नहीं रहता। तो आपको जो हनीकॉम है उसके अंदर एक फ़ायदा आपको और मिलता है जो कि आपको घास में नहीं मिलता है। अभी जैसे कि बारिश का टाइम आएगा तब तक भी कूलर चलते हैं तो बारिश के टाइम के अंदर जो मॉइस्चर आता है वो आपका कूलर ये जो घास वाला है वो फिल्टर नहीं करता है। घास वाले कूलर के अंदर आपका दुगना मॉइस्चर रहेगा, जैसे कि बाहर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है अंदर दुगना ह्यूमिडिटी रहेगा, क्योंकि आपका जो कूलर है वो क्या काम कर रहा है, कूलर आपका काम जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा के अंदर हल्का सा पानी, मतलब जो कह सकते हैं कि पानी का जो मात्रा है वो उस हवा के अंदर बढ़ा के भेजता है। बाहर से जो सूखी हवा आ रही है वो पानी के अंदर, मतलब कि जो घास है उससे टच होके निकल रही है और फिर उसके अंदर पानी मिक्स होके और वो जो आपको कह सकते हैं कि ड्राई एयर मिल रही है वो थोड़ी सी ड्राई एयर होती है जो वेट हो जाती है, ठीक है। और वो एयर आपको अगर मिल रही है ठंडी हवा, ठीक है, तो ठंडी हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है और उस मॉइस्चर से, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको नोटिस करके बताता हूँ, आपका जो कूलर की हवा है उसके अंदर आप एक बिल्कुल चिल्ड गिलास को कूलर की हवा के सामने रखोगे तो जो बाहर पानी की बूंदें हैं वो ज़्यादा जमेगी नॉर्मल अगर सूखी हवा में रखोगे उसके मुकाबले, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। लेकिन हनीकॉम है वो थोड़ा सा फिल्टर करता है, ज़्यादा भी नहीं करता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिल्टर आपका हनीकॉम जरूर से करता है। क्या फिल्टर करता है, जो मॉइस्चर है उसको वो कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करता है और जो ड्राई एयर है उसको भी अंदर फिल्टर और ड्राई ही रहने देता है और केवल गर्म हवा को ठंडी करता है, ये चीज़ होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनके जो बड़े बड़े कूलर होते हैं वहाँ पे हमेशा हनीकॉम यूज़ होता है, कभी भी घास यूज़ नहीं होते है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ आया तो कमेंट जरूर से करना। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ, चैनल बनाया जो है सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही अपन जो है इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर।